हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। मैं अंशिका आ गई हूँ आज आपके सामने एक रिव्यू वीडियो लेके। और मैंने एक नया ब्रांड ट्राई किया है तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे अपने रिव्यू शेयर करने चाहिए। एंड हियर आई एम। तो मैं जिस ब्रांड की बात कर रही हूँ वो है बेलोरा कॉस्मेटिक्स। तो मैंने क्या किया था, इंस्टाग्राम पे इसका एड देखा था और जब मैंने एड देखा तो मैंने बहुत सारे लोगों को ये लिपस्टिक की तारीफ करते सुना। फिर मैंने एक दो इन्फ्लुएंसर से इसके बारे में बात मतलब इसके बारे में उन लोगों ने बताया कि दे आर गुड लिपस्टिक। तो आई थॉट कि चलो ठीक है मैं एक बार ट्राई करती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं तीन लिपस्टिक है, तीन शेड्स है जो इसके ट्राई करने वाली हूँ। स्पेसिफिकली मैं लिपस्टिक के बारे में, उसके टेक्सचर के बारे में और जो तीन शेड्स मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आए थे उनकी वेबसाइट से जो मैंने परचेज किया उसका लाइव डेमो दूंगी, प्लस आपको दिखाऊंगी कि मेरे लिप्स पे कैसे लग रहे हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। पैकेजिंग के बारे में बताऊं तो मैंने डायरेक्ट इनकी वेबसाइट से ऑर्डर किया था इसलिए कुछ इस पैकेजिंग में आया था। सिंपल स्लीक, कोई तामझाम नहीं, बहुत अच्छा पैकेजिंग था। और इसके अंदर मैंने तीन लिपस्टिक्स एक साथ ऑर्डर की थी। उस टाइम ऑफर चल रहा था कि अगर आप 1000 के ऊपर ऑर्डर करते हो तो आपको इनका एक पाउच फ्री मिलेगा। आई नो आजकल सभी लोग यही करते हैं कि कुछ गुडीज फ्री में देते हैं ताकि इंसान ज्यादा परचेज करे, और मैं थोड़ा अट्रैक्ट हो जाती हूँ इन सब चीजों से। बट ठीक है, तो मेरे को ये पाउच जो है वो फ्री में आया। क्वालिटी इज गुड, काफी अच्छा क्वालिटी है। एंड सबसे अच्छी बात, बहुत स्पेशियस है अंदर का कुछ ऐसा है। तो मतलब ठीक है, मतलब मेरे लिए तो जितने पाउचेस मैं रखू उतना ही मिलने कम है, मैं बदल बदल के यूज कर लेती हूँ। आउटर पैकेजिंग प्रोडक्ट की कुछ इस टाइप की है, काफी ब्यूटीफुल है। देखो आउटर पैकेजिंग से कोई इतना लोड है नहीं, बट स्टिल क्या कहते हैं। उसके अलावा मैं बताती हूँ ये तीनों का जो प्राइस है वो एमआरपी इज 599 बट मुझे 419 पे पड़ा था। कुछ तो ऑफर चल रहा था, आई एम नॉट श्योर। तो 419 में मुझे पर लिपस्टिक पड़ी, मुझे प्राइस के हिसाब से बहुत इफेक्टिव लगी क्योंकि द क्वांटिटी इज 4.5 ml जो कि आजकल मतलब मिलना मुश्किल है। मतलब थोड़ा कम ही क्वांटिटी में देते हैं प्राइस के हिसाब से, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट। तो 4.5 ml है। अब मैं आपको थोड़ा सा इंटरनल पैकेजिंग दिखा देती हूँ इसकी। सबसे ज्यादा पसंद करने वाली चीज है वो है इनकी इंटरनल पैकेजिंग, इट्स टू ब्यूटिफुल। इनकी गोल्डन जो कैप है और उसके अलावा ट्रांसपेरेंट है, प्रॉपर आप देख सकते हो कि लिपस्टिक का शेड कौन सा है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब पैकेजिंग काफी हद तक स्मैश बॉक्स से कॉमन है तो कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब वो तो अपना अपना वो है पैकेजिंग करने का। उसके बाद इनका यहाँ पे प्रॉपरली नेम मेंशन होता है यहाँ पर, एंड नीचे आपको कलर भी दिख जाएगा कि क्या नंबर क्या कलर है आपका। तो ये प्रॉपरली मतलब जो मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि ब्रांड प्रॉपर कन्वे करना चाहिए कि कौन सा कलर है, कितने ml है और ये सारी चीजें, तो ये सब इसमें अच्छा है। अब मैं थोड़ा सा आपसे टेक्सचर की बात कर लेती हूँ। तो अभी मैंने अपने लिप्स पे इसी का शेड नंबर 13 अप्लाई किया हुआ है, मैं आपको इसी का टेक्सचर दिखाती हूँ। तो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी चीज जो इसके एप्लीकेटर के बारे में है वो ये है कि ये ऐसे टिल्ट हो जाता है। मतलब जैसे आप थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करोगे एप्लीकेटर उस हिसाब से टिल्ट हो जाएगा। तो मतलब ये आप जैसे ही अपने होठों पे इसको ग्लाइड करोगे उस हिसाब से ग्लाइड हो जाएगा। तो मुझे तो इसका मतलब ब्रश जो है वो बहुत अच्छा लगा लिपस्टिक का, बहुत पर्सनली आई लव इट। एंड आप देख सकते कलर पे ऑफ इज क्वाइट गुड और टेक्सचर इज वेरी नाइस, बहुत लाइट वेट है। मैं सच बताऊं मैंने अभी अभी रिसेंट में स्मैश बॉक्स की लिपस्टिक ट्राई की थी, उनका टेक्सचर वॉज वेरी लाइट वेट जो कि मुझे पसंद आया। और प्लस काफी ज्यादा उनका स्टे पावर वॉज गुड, ठीक है। तो मुझे वही लग रहा था कि यार ठीक है अगर स्टे पावर गुड भी है तो वो लिपस्टिक्स है 2100 की। तो 2100 के हिसाब से मुझे तो कॉस्टली लगता है क्योंकि यार आप लिपस्टिक में चाहते हो कि मल्टीपल कलर हो आपके पास, बट इतना प्राइस सबके लिए इज नॉट सूटेबल। तो फिर मुझे इसका मतलब मुझे समझ में आया ट्राई करने का। और मैं जब ट्राई की तो दोनों का मतलब मैं पर्सनली बताऊं तो ऑलमोस्ट 6-7 घंटे मैंने इस लिपस्टिक को भी अप्लाई किया था, काफी अच्छे से स्टे किया 6-7 घंटे तक, मैंने खाया पिया भी सब कुछ किया। तो मतलब मुझे पर्सनली आई एम नॉट कंपेयरिंग स्मैश बॉक्स टू दिस, बट मैं कह सकती हूँ कि अगर आप स्मैश बॉक्स की कुछ लिपस्टिक का शेड ट्राई करें, और इसमें बहुत सारे शेड है, तो अगर आप वो ट्राई करना चाह रहे हो तो उससे पहले एक बार बेलोरा में देख लेना। अगर आपको कोई शेड मैच करते हो मिल गया तो इसको जरूर पहले ट्राई कर लेना। तो मैं ये जरूर पर्सनल बोलूंगी। बहुत सारी लिपस्टिक्स अभी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है,
उस हिसाब से मैं बोलूँ तो मुझे पर्सनली इसका बहुत अच्छा लगा, मतलब प्राइस के हिसाब से कलर बहुत अच्छा है, लिपस्टिक का टेक्सचर बहुत अच्छा है, लिपस्टिक का स्टेइंग पावर बहुत अच्छा है, तो इन टोटल सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। चलो हम मूव कर लेते हैं, थोड़े से स्वैचेस आपको दिखा देती हूँ, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्वैचेस। सो मैंने अपना बेस बना लिया है, जस्ट लिपस्टिक ही रह गई है, बाकी सब कुछ मैंने अप्लाई कर लिया है, तो मैं अब आपको लिपस्टिक अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो मैं जो पहला शेड यूज करने वाली हूँ वो है दिस वन, शेड नंबर 13, दैट इज ड्रैगन पिंक। दिस इज सीरियसली अ वेरी नाइस शेड, मतलब अगर आप पिंक की तरफ कुछ पसंद करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ये शेड की तरफ जा सकते हो, अगर आप ब्राइड हो तो ये तो मस्ट हैव शेड है। सो दिस इज द शेड, यू कैन सी सच अ ब्यूटिफुल पिंक शेड, सीरियसली देख सकते हो आप, थोड़ा सा टाइम है और ये ड्राई भी बहुत जल्दी होता है, तो ये अच्छी चीज है कि बहुत ज्यादा पैची आपको फील नहीं होगा, बहुत देर तक बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। मैं जस्ट आपसे बात कर रही हूँ इतनी देर में ही मुझे फील हो गया है कि ड्राई हो रहा है एंड ऑलमोस्ट हो गया है, ये देखिए। सो इट्स गुड एंड दिस शेड इज सीरियसली वेरी ब्यूटिफुल। दिस इज द सेकेंड शेड, आप कलर देख सकते हो, ये यहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ है इसको, एंड द सेम थिंग आई हैव अप्लाइड ऑन माई लिप्स एंड यू कैन सी द कलर, इट इज सच अ गॉर्जियस कलर, सच अ गॉर्जियस कलर, आई कैन नॉट इवन टेल यू कि इतना प्यारा लग रहा है। मैं बहुत फॉन्ड ऑफ हूँ डार्क शेड्स ऑफ लिपस्टिक की, तो मुझे मैंने पर्सनली तीनों डार्क शेड ही चूज किए, एंड वन इज फ्रॉम द रेंज ऑफ पिंक, वन इज फ्रॉम द रेंज ऑफ रेड एंड वन इज फ्रॉम द रेंज ऑफ मरून। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द थर्ड शेड। So third shade is in the range of red and this is shade number 23 and it is French red. So अभी मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे इसका कलर दिखाती हूँ, ये देखिए, okay. Now I think you are able to see. So it's a beautiful shade. अभी मैं अपने lips पे apply करती हूँ, ओके, सो नाउ यू आर एबल टू सी, ये देखिए, गिव इट सम टाइम लाइक 10-15 सेकेंड थोड़ा सा इसको ड्राई होने के लिए, क्योंकि ड्राई होने के बाद जो शाइन दिख रही है आपको वो नहीं दिखती, इट बिकम्स टोटली मैट, तो थोड़ा सा हम 10-15 सेकेंड इसको देते हैं, बट इट्स अ ब्यूटिफुल रेड शेड, बहुत ज्यादा ब्लड रेड नहीं है, बहुत ज्यादा यू नो डार्क साइड ऑफ रेड नहीं है, नॉट अ चेरी रेड एंड नॉट अ डार्कर रेड, डीपर रेड, मतलब उन दोनों के बीच का रेड है, तो इट्स गुड, मतलब नॉर्मली ज्यादातर इंडियन अटायर्स पे भी बहुत अच्छा लगेगा, प्लस वेस्टर्न में तो आपने कुछ ब्लैक पहना हो, कुछ स्पेसिफिक रेड पहना हो, कुछ भी ऐसा डार्कर मस्टर्ड या ऐसे कोई शेड्स पहने हो तो उसके साथ ये बहुत अच्छा लगने वाला है। सो मैं समराइज करूं तो मैं जरूर बोलूंगी कि आप बेलोरा कॉस्मेटिक की लिपस्टिक्स को ट्राई करिए, इट्स वर्थ ट्राई, 419 रुपीज में आपको इतना अच्छा लिपस्टिक मिलना इज क्वाइट डिफिकल्ट। आप इनकी वेबसाइट से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी, हैसल फ्री, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, ऑफलाइन पेमेंट कर दीजिए, दोनों पे इट्स अवेलेबल, तो आप टोटली इसके हिसाब से कर सकते हैं। एंड मेरा तो पर्सनल सजेशन है कि एक बार जरूर ट्राई करो, और अगर आप चाहते हो मैं कुछ और प्रोडक्ट्स बेलोरा कॉस्मेटिक से ट्राई करूं तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। एंड यहाँ पे मैं अपना वीडियो खत्म करती हूँ, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को फैलाइए दूर दूर तक, एंड मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी जरूर फॉलो करिएगा क्योंकि वहां पे मैं बहुत सारे अपडेट्स देती रहती हूँ। एंड यस, एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योरसेल्फ। बाय बाय।